Good afternoon, everyone. I'm Veenu Singh, and we are at the Hindustan Times Leadership Summit. And with me is an iconic chef, the one of the sexiest man on earth right now, and a guy I think almost all of us, especially all the women here, are crazy about. Introducing you to Vikas Khanna, Michelin-starred chef, an author, and also a filmmaker. Vikas, welcome to Leadership Summit, and it was a pleasure to have you at the session. And you had people in splits with your combination of Punjabi, anecdotes and a mix of nostalgia in that. Especially like things like chittar padenge. Half the people didn't even know what do you mean by chittar. So it was like, but those who understood really understood. What a good Punjabi boy meant by that. Okay, taking you back to your roots, you're from Amritsar. How exactly did your love with food start in the first place? I think shuruaat hi ghar se hi hoti hai sabki. Mere khayal se ke most of the inspirations come from home. And for me, the inspiration came right from home, but also from the hometown. And when you look at Amritsar, it is such a grandmother's town. The food on every corner, and it's like, bahut interesting cheez hai Amritsar ke bare mein ke there are small places which serve only one dish. Okay. कि एक जलेबी वाला सिर्फ जलेबी बनाता है, एक गुलाब जामुन वाला एक चना बनाता है, सिर्फ चने बनाता है, एक चाट फिर सिर्फ चाट भेजता है. सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था ऑफ स्पेशलाइज्ड क्यूजीन. पर इवन मोर देन दैट फॉर मी इट वाज लाइक यू आर इन द सिटी बॉर्न एंड रेस्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, जहाँ पे दिस इज द ओनली सिटी विद वन सेंट्रल किचन, द गोल्डन टेम्पल का लंगर जो है. सो आई थिंक वो एक बहुत ही ज़्यादा एक इंस्पिरेशन रही मेरे लिए और बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेसन रहे कुकिंग के, जो सब आपके घर के इर्द गिर्द से मिल रहे थे आपको. एंड यू वर आई थिंक इंस्पायर्ड मेजरली बाय योर ग्रैंड मदर बिकॉज यू यूज्ड टू गो एंड सिट इन द किचन व्हेन योर बीजी यूज्ड टू कुक. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कुक फॉर एवरीबॉडी एट होम? तो मैंने चाय बनाने की कोशिश की थी एक बार, और मुझे नहीं पता चाय को काटते हैं और दूध डाल दो पहले तो चाय निकल जाती है. यू आर जस्ट अ किड, 7 ईयर ओल्ड. तो वो नहीं वर्क की, दाल बनाई थी बहुत गंदी मुझे याद है, पर वो भी वो सब कहते थे कि यार ये क्या टाइम वेस्ट करता है. बट स्लोली स्टडीली यू फिगर्ड आउट के कुकिंग एक जहाँ एक कला है वहाँ पे एक साइंस भी है. लाइक देयर इज सच अ सिस्टम टू दैट मैडनेस कि इतनी चीज़ें जा रही हैं कढ़ाई में, बट उसमें एक ऑर्डर है, एक बहुत ही सिमेट्रिकल ऑर्डर है. वो स्ट्रीट फूड ले लो इंडिया का, या फिर घरों की क्यूजीन ले लो, या फिर जो बड़े बड़े होटल्स या पैलेसेस में बनता है, एक सिस्टम है उस ऑर्डर में. एंड आई थॉट वो बहुत ही पोइटिक है, बहुत ही रिदमिक है. एंड आई थिंक मैं हार्ट में था कि मैं वो सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़रूरी था कि पहले क्या जाता है, कि सरसों का तेल यूज़ होता है, मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ द रीजनल क्यूजीन्स इन इंडिया. एंड उसको कैसे पहले यू हीट इट फर्स्ट टू गेट द स्मोक आउट एंड देन गोज. अगर नॉर्थ में पका रहे तो जीरा जा रहा है, तो साउथ में पका रहे तो राई जा रही है, तो लहसुन जा रहा है आपका, अदरक जा. सो एवरीथिंग हैड अ सिस्टम टू इट. वो सिस्टम मुझे बहुत पसंद था, उसमें एक मेथड था, उसमें एक रूल था, उसमें एक कुदरत का एक लॉ था कि ये चीज़ मतलब इतनी सेंचुरी से चीज़ पक रही है तो somebody has figured it out कि ये चीज़ पहले जानी चाहिए, ये बाद में जानी चाहिए. एंड आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल कि जो है पाउडर मसाले बाद में जाने हैं, और देयर हैज़ टू बी सम ह्यूमिडिटी और सम लिक्विड और समथिंग विच हैज़ सम बॉडी बिफोर यू पुट अदरवाइज इट बर्न्स. वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी एज आर्टिस्ट, एज somebody who was trying to learn something. सो अमंग इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेज एंड यू आर क्रेजी अबाउट स्पाइसेज, यू गो ऑल द वे टू लुक फॉर द बेस्ट स्पाइसेज, बट विच इज़ योर फेवरेट स्पाइस? ऐसे करना मुश्किल होता है, बट अरुणाचल प्रदेश में स्टार एनीस जो हमारा होता है, चक्कर फूल, वो उगता है. बट उसका एक बहुत ही बढ़िया वर्जन, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, वो वियतनाम में उगता है स्टार एनीस का. तो पिछले 2 साल से मैं रेगुलरली 2-2 दिन के लिए गया हूँ, पिछली बार 1 दिन के लिए, उससे पहले 2 दिन के लिए गया हूँ, कि वो उन फॉरेस्ट में जहाँ पे वो उगते हैं एंड दे आर ग्रीन इन द बिगिनिंग, और वो खट्टे होते हैं ऑलमोस्ट. एंड व्हेन यू स्मेल स्टार एनीस उसमें, मतलब हाउ नेचर वो सब कुछ इवॉल्व करती है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत एक सिमेट्री है. एंड देन इतना लंबा प्रोसेस है बिफोर इट बिकम्स अ स्टार एनीस. जैसे फूल है, फूल से पॉलिनेशन होके इट बिकम्स अ फ्रूट, फ्रूट से देन इट इज़ टेकन एंड देन इट्स फर्मेंटेड, इट इज़ बर्नड इन द सन, एंड इट प्रोसेस है सब कुछ. एंड आई लव दैट. आई थिंक वो बहुत मज़ा आता है. एंड बहुत बड़ी रिसर्च है मेरी ऑन बेस्ड ऑन मौसमों के ऊपर और इनकी पॉलिनेशन के ऊपर, बिकॉज
आई फील कुकिंग का वो एक बैक एंड है जो बहुत लोग एक्सप्लोर नहीं करते, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है. मतलब यू कांट इग्नोर द फैमिली वेयर इट कम्स फ्रॉम टू अप्रिशिएट जस्ट वन सन और अ डॉटर. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू स्टार्टेड विद लॉरेंस बैंक्वेट्स व्हिच वाज व्हेन एट दैट टाइम यू वर जस्ट 17 इयर्स ओल्ड. 16 साल का था, शुरू किया था, पर उसको फिर जो पंजाबी में कहते हैं चौड़ा हो गया. एक पार्टी की तो चौड़ा हो गया, अब तो मैं बड़ा 30 मार खान बन गया. एंड आई थिंक आपका मेन फोकस उस टाइम पे किटी पार्टी आंटीज के ऊपर था. किटी पार्टीज पे बहुत फोकस करते थे आप उस टाइम पे. अमृतसर में आप देखिए तो यू नो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर है. वो आंटियाँ सुबह ब्रंच भी करती हैं, फिर वही आंटियाँ लंच करने भी आ जाती हैं, फिर वो शाम के भटूरे भी खाने आती हैं, फिर मतलब अब तो चेंज हो रहा है सब कुछ. वो एक बहुत एक ऑर्गेनिक कल्चर था. तो डिड यू सर्व छोले भटूरे दैट टाइम? चार चीज़ें आती थी. स्प्रिंग रोल क्लब से सीख के आया था. पनीर पकौड़ा टिपिकल, छोले भटूरे और कुलचे, चार चीज़ें होती थी. बाकी आइसक्रीम बाहर से ले आते थे, वनीला आइसक्रीम की ब्रिक्स होती थी टिपिकल वही. और सर्दियों में गुलाब जामुन, दैट्स इट. मतलब इससे ज़्यादा मेन्यू कुछ था ही नहीं वहाँ पे. अब बात भी करें 1990 की, यू नो सो ऑफकोर्स देर वॉज सच अ लिमिटेड चीज़ें जो थी. अब तो इंडिया इज़ लाइक एक्सप्लोडेड विद चॉइसेस एंड वैरायटीज एंड एवरीथिंग. तब तो बस यही था. बट आई लाइक इट आपने विनू एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑफ द सिंपल लाइफ एंड द सिंपलिसिटी ऑफ दैट. आई थिंक 20 रुपये की किटी पार्टी करते थे हम लोग, 20, और आंटियाँ देती भी नहीं थी 20 रुपये क्योंकि बहुत यंग था, बोला था बिल्कुल. तो कहते आज नहीं देने तेरे को, आज मेरी बेटी है और ये मतलब मेरी बेटी छोटी है अभी, इसका पैसा नहीं दूंगी मैं. मैं कहता हूँ आंटी ये मेरे से बड़ी है, वो तो मैं रोता था. I think there was a very simple humanity about it. There was a humor about it. There was simplicity. There was less pressure. घर के पीछे था. पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी. And that patience and that understanding के you know झुकना when you have a moment of success. जब घर में 200-300 रुपए की पार्टी होगी तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी वो हमारे लिए. I just think it helped me stay very grounded. I think that's one of the best things about a person like you. You know, you're so humble and so grounded. Even today, you know, despite getting so much of our clothes from everywhere, from you know, on an international platform, but I think that humility stays there. And you know, I think that's one of the biggest achievement for a person to be humble even in that stage. मुझे लगता है वो time से खा जाता है आपको. जब आप चौड़े होते हो ना तो एक फिर भगवान का एक तरीका होता है थप्पड़ मारने का, फिर माँ का तरीका होता है थप्पड़ मारने का. अब क्या हो तो बदल गया थोड़ा सा. एंड यू सडनली बिकम लाइक शिट डिड आई रियली बिहेव बैड. और एक होता है किसमें. एंड यू नो और मुझे ये भी लगता है कि सक्सेस आपको ना कुछ सिखाती नहीं है. मैंने नोट की है बात कि सक्सेस नहीं सिखाती आपको. आपको जो फेलियर सिखाता है ना, आपको ये भी बताता असली दोस्त कौन है, क्या गलती की थी आपने. सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में ले जाता है किसी तरह पर. आई फील इट गेट्स यू मिसप्लेस्ड. ओके, एक डिल्यूजनल बना देता है आपको. अगर आपको सक्सेस आपको पता कि फेलियर है बीच में, विच एक्चुअली इज अ स्पीड ब्रेकर एंड यू मेक्स यू थिंक. एंड आई थिंक दैट हेल्प्स मी टू समटाइम्स अपना, बिकॉज यू नो स्टार्ट डूइंग मेन स्ट्रीम टेलीविजन, आप योर लाइफ इज एक्सट्रीमली पब्लिक. और मैं बहुत लोगों को पता, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन एक्चुअली इन इंडिया हु इंटरव्यूड मी. कौन से होटल में थे वो? क्लैरिजेस. मतलब हम बाहर बैठे हुए हैं बात करें और आपने मुझसे पूछा, आपने कहा यू डोंट टॉक. तो मैंने कहा मैं तो बाहर गया तो पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस थी. आई थिंक मिस्टर वीर सांग वाज इंट्रोड्यूसिंग मी टू इंडिया. और मैं बहुत ही शर्मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा शाय था. और तब पता नहीं था कि इट्स गोना लाइफ इज गोना चेंज. लाइक 7-8 साल हो गए उस बात को. और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली, विच पीपल डोंट नो. मेरे लिए बहुत मुश्किल था ओपन अप करके ऐसे बात करना. हर प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछ रहे लोग एंड चल के आए 40 लोगों ने हर सवाल पूछा आपसे. नहीं पहले तो मैं डर जाता था बिल्कुल, यू नो. बट आई फील रियलाइज के इट हेल्प्स टू रीच इंडियन फूड ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल. एक मास स्केल मिलता है इंडियन फूड को, एक प्लेटफॉर्म मिलता है अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूरोप में हो, कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूजीन, यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट अपने छोटे से रिचुअल्स ऑफ कुकिंग, विच इज़ मच बिगर एंड ग्रैंडर देन द कल्चर. इनफैक्ट यू नो द लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू for bringing Indian cuisine to such a big platform and you know to putting it up in terms of like you know putting it up for the entire world to see what Indian cuisine is all about. Culture also. मुझे लगता है कि एक इंडिया का जो किसी से खाने की बात करो ना, मुझे बड़ी बात इंडियंस की बहुत पसंद है.
आप एक इंडियन को पूछो ये सवाल, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप उनसे पूछ के देखो व्हाट डिश गिव्स यू कंफर्ट. आई हैव नेवर हर्ड एन इंडियन से यू नो दिस मिशलन स्टार रेस्टोरेंट इन पेरिस और इन टोक्यो और इन न्यूयॉर्क, दिस समथिंग वेरी हम्बल. कहते यार घर में ना एक मम्मा भिंडी बनाती है, यहाँ पे सर्दियों में गोभी बनाती है, एंड दैट इज लाइक साउथ में जाओ तो आई जस्ट मेट समबडी इन द फ्लैट. कहती देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू फील, शी वाज फ्रॉम दिल्ली, शी सेड व्हेन आई गो टू केरला माय मदर मेक्स द बेस्ट अवियल एंड दैट जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट. एंड आई लव दैट अबाउट इंडिया बिकॉज इट गिव्स योर सोल टू दोज किचन्स दैट जितने मर्जी बड़े हो जाएं, मतलब द बेस्ट थिंग द कंफर्ट यू फाइंड इज इन योर होम कुक्ड एंड दैट्स ऑलवेज वेरी हम्बल डिश. दैट इज बी वेरी सिंपल ऑफ अचार. व्हिच इज दैट डिश फॉर यू? आपके लिए कौन सी डिश है ऐसी? वो मेथी आलू मुझे बड़े पसंद है सर्दियों के. मुझे याद है मेथी तोड़ना और सुखाना, पहले तो आती नहीं थी डब्बों में, तब तो हाथ से सुखानी पड़ती सारी की सारी, तो मेरी ड्यूटी लगती थी सारी मेथी काट के. एंड मुझे तो मेथी के कच्चे पत्ते बड़े स्वाद लगते थे, कड़वे से, तो बट आई यूज टू लव द वे द मेथी आलू बनती थी लोहे की कढ़ाई में, हींग डाल के सरसों के तेल में, एंड दैट्स इट. नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, एंड देयर वाज नथिंग ऑफ लहसुन भी पड़ा, कुछ नहीं होता था उसमें, पर मेथी खूब सारी और थोड़े से आलू होते थे. एंड यू नो दैट इज़ वेरी आई रिमेंबर एक बार मैं बीमार था तो मेरे एक शेफ़ ने बोला कि शेफ़ क्या लेके आऊँ आपके लिए टू मेक यू फील बेटर. मैं क्या मेथी आलू बनाने वाले भी चलेगी तो मेथी आलू भी चले गए मेरे को वो. एंड दिस फूड हील्स यू ऑन अ वेरी होलिस्टिक वे, है ना. मेरे को लगता है कि इंडियन फूड की आप बात नहीं कर सकते विदाउट टॉकिंग अबाउट द सिंपल किचन वेर इट कम्स फ्रॉम. कि घर में पैसे नहीं थे, खाना भी कम था, बट वो प्यार की वजह से खाने में भी अन्नपूर्णा बसी हुई थी. आई फेल दैट, यू नो, आई फील दैट एंड आई स्टिल फील दैट. आई एम ग्लैड दैट आई कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स दैट इंडियन फूड इज डिफरेंट नॉट बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस और एनीथिंग, इट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द सोल. एंड आई होप यू कैन कनेक्ट टू इट. जब बच्चे स्कूल से आते हैं खाना तैयार होता है, इट्स लाइक द सन, अ प्रॉमिस ऑफ फूड ऑफ आवर किचन्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, do you cook methi aloo yourself also now? वो नहीं, मैंने ना मेथी कोशिश तो करता हूँ मैं, बट अब मेथी अच्छी मिलनी शुरू हो गई है अमेरिका में. पहले तो मेथी नहीं मिलती थी अच्छी. हाँ, पहले ना बहुत ज़्यादा फ्रोजन पैकेट्स और ड्राइड, आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट. अब मेथी फ्रेश आ गई है, बहुत अच्छी. अब करेले, नीम के पत्ते, सब कुछ फ्रेश मिलना शुरू हो गया. दैट्स या मैं बड़ा शोर में जाता हूँ कि सर इतनी बड़ी मार्केट है. कुछ तो कहते नहीं सर मार्केट नहीं है, शुरू तो करें टू ब्रिंग आर these vegetables and herbs and everything to US. So, you know, mostly jab chefs baat karte hain apni cooking ki and inspirations and what, you know, do, what kind of like works in the kitchen best, they all say that, you know, they bring their childhood memories into the kitchen. They try and create those, you know, something out of those memories. Aapke liye aisi kaun si koi childhood memory hai ya kya nostalgia hai food related which you still carry with you? विनु जी, आपको लगता है सिर्फ शेफ्स का है कि हर आर्टिस्ट का है? इट्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, राइट, एवरी क्रिएटिव, इवन फॉर जर्नलिस्ट आल्सो. द एक्सेंट दे विल टेक टू राइट अ स्टोरी विल, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है पीछे से. अगर आर्किटेक्ट भी है या फिर कोई राइटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक, बिकॉज आपकी डेफिनेशन है. एक कैमरामैन भी है जैसे शूट कर रहे हैं, सबका एंगल डिफरेंट है बिकॉज इतने सालों की बचपन की आपकी कोई चीज़ की दिखती है आपको जो खूबसूरत या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, वो सब में एक है. एडिटर भी बैठता है, सब में है. आई थिंक, आई जस्ट थिंक के फूड में रिलेटेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हर इंसान बात कर सकता है, सबकी मेमोरी है, तो वी गेट अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा कवरेज ऑन दैट. बट आई थिंक फूड चाइल्डहुड हैज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी आर्टिस्ट. एंड फॉर मी इट इज़ ऑलवेज बी गोल्डन टेम्पल. इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट टाइम गोइंग टू उडुपी इन कृष्णा टेम्पल. इट विल ऑलवेज बी बेसिक इंडिया की जो रेडियों के खाने या छोटी दुकानों के खाने. आई जस्ट फील दैट दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो स्ट्रीट फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? स्ट्रीट फूड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रीट फूड इज सुप्रीम. कॉस्ट दे कांट अफोर्ड, जस्ट बहुत महंगे इंग्रीडियंट्स नहीं यूज़ कर सकते. कॉस्ट दे हैव टू मेक इट फ्रेश बिकॉज स्टैंडर्ड ऐसा है. ट्रू. एंड दे हैव टू गिव दैट होल पैकेज इन अ सर्टेन लिमिटेड मनी. और स्ट्रीट फूड में फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. एक मिनट में जो खा रहा है उसको तो एग्जैक्ट पता है मैं क्या खा रहा हूँ, यू नो. बेशक 6 रुपए की प्लेट है, बहुत मुश्किल है स्ट्रीट फूड. आई हैव सो मच रिगार्ड फॉर पीपल हु डू दिस. बॉम्बे में चल जाओ, वड़ा पाव और एवरीथिंग, यू नो, लहसुन की चटनी किसकी है, यू नो. सो एवरी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, नॉट जस्ट फॉर द टेस्ट बट ऑल्सो वी हैव टू कट द प्राइसेज टू मिनिमम. एंड आई थिंक दिस इज वेरी हम्बलिंग फॉर अस टू सी दैट. एंड रेडी देखो तो रेडी पे दो लोग ही काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम. या कोई घर से खाना, जैसे मैं देखता हूँ
चेन्नई वगैरह में घर से इडली बना के आ रहे हैं या फिर यू नो घर में हेल्प होती है, पर बेसिकली उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि एंड दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट स्ट्रीट फूड पीपल डू. सो व्हाट इज़ योर फेवरेट स्ट्रीट फूड देयर? चांदनी चौक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फील भोपाल इज इंदौर एंड व्हेन यू लुक एट कोलकाता इट्स लाइक इंडिया का स्ट्रीट फूड इज आइकॉनिक. एंड यू नो वन थिंग व्हिच आई फेल्ट वाज अंडररेटेड वाज भुवनेश्वर में स्ट्रीट फूड. रियली? The desserts, the sweets, dessert नहीं कह सकते, sweets कहते हैं उसको, उनका छीना पोड़ा से लेके उनके बेसिक लड्डू चावल का यूज एंड आई थॉट इट वॉज ब्रिलियंट. उनका रसगुल्ले सड़कों के एंड आई फेल्ट दिस वॉज लाइक समथिंग वेरी ऑर्गेनिक. सर्दियों में नोलन गुड़ के साथ यूज हो रहा है एंड आई वॉज सींग एंड आई लाइक माई गॉड इट्स इन्फिनिटी, इतना ज़्यादा है यहाँ पे. एंड दिस इज नॉट लाइक अमेरिका जहाँ पे मोस्टली वेन यू क्रॉस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेरी सिमिलर सिमेट्रिकल क्यूजींस हैं, बर्गर से लेके स्टेक से लेके फ्रेंच फ्राइज से लेके हॉट डॉग से लेके. इंडिया में कोई सिमेट्री नहीं है विच मेक्स इंडिया वेरी सुप्रीम फॉर कुकिंग. सो व्हाट्स इट नेक्स्ट फॉर शेफ विकास खन्ना नाउ? यू आर राइटिंग सो मेनी बुक्स, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. देयर इज अ फिल्म ऑन यू बरिड सीज विच टॉक्स अबाउट योर एंटायर जर्नी. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर यू? नेक्स्ट स्टेप सबसे बड़ा जो मेरा इनिशिएटिव है वो मेरा म्यूजियम है. मुझे लगता है कि जहाँ पे हिंदुस्तानी किचन की बात चल रही है तो बर्तनों के बिना बात नहीं कर सकते, और हमारे बर्तनों में एक बड़ा नॉस्टैल्जिया है कि आपके घर की कढ़ाई है, हांडी है, पतीला है, कुछ है, चमचा है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको. एक बहुत ज़्यादा उसमें एक लिंक है, हमारा इमोशनल लिंक है. बट अब क्या हो गया, बहुत कुछ जेनेरिक चल रहा है लाइफ में, वो पुराने पतीले, पुराने चीज़ें, वो सब कुछ एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक हो गया उनसे. कन्वीनियंस कह रहे हैं या फिर यूटिलिटी कह लें, तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू इंडियन किचन के बर्तन. 10,000 से करीब बर्तन हैं हमारे. अगले साल April 7th को म्यूजियम खुलेगा मणिपाल में. ओके, एंड व्हाट इज द म्यूजियम कॉल्ड? इट्स कॉल्ड म्यूजियम ऑफ कलनरी आर्ट्स. ओह वाओ. सो इट इज़ अ बिग इनिशिएटिव फ्रॉम डॉक्टर पाई, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ITC वेलकम ग्रुप एंड यू नो द कॉलेज एंड माई टीचर्स एंड प्रोफेसर एंड अप्रिंस पारू मैम. एवरीबडी हैज़ गॉटन सो इन्वॉल्व इन दिस म्यूजियम. आप एंटर करेंगे तो आपको एक रियलाइज़ होगा कि इंडिया की सेंसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन, मेटल वर्क यूटिलाइज कैसे करते थे सामान, हमारी शेप्स चीज़ों की, पॉटरी का वर्क, एवरीथिंग हैज सो मच इंट्रिकेसीज. रियली साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑन द यू नो काइंड ऑफ लाइक ब्रिंगिंग इट टू द एंड, आई विल जस्ट आस्क यू वन लास्ट थिंग. व्हाट इज इट अबाउट इंडियन क्यूजीन दैट मेक्स इट सो परफेक्ट फॉर यू? डाइवर्सिटी. आपको जब लगता है कि काफ़ी कुछ हो गया और आप स्टेशन पे जाते हो या फिर आपको 10 चीज़ें और दिख जाती हैं रास्ते में, मतलब इंडिया इज़ समथिंग जहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा एनर्जी है एंड देर इज़ नो ब्लैंक स्पेस. बट आपको चुनना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ है. बट डाइवर्सिटी आपको पागल कर देगी. आप सूरत चले जाएँ या फिर आंध्रा चले जाएँ या फिर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू ट्रैवल, डाइवर्सिटी माई हार्ट यर्न्स फॉर इंडियाज़ डाइवर्सिटी एंड हाउ दिस डाइवर्सिटी इज़ हेल्प टू इवॉल्व सो मेनी डिफरेंट cultures within one country. Oh, meri bahut thing hai. That's true. That's the best thing about Ladakh se Kashmir jao aur shakle badal jati, pehrava badal jata, dance, music, khana, sab. That is what I love about India and that is what keeps me going, I think. Great. On that note, we take leave from you. Thank you so much, Chef Vikas, for coming and you know talking about and taking Indian food to such great heights. Thank you.